दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन जो कि एक लाजवाब अभिनेता है, उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में कौन कौन से अवार्ड जीते हैं इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अब चूंकि दोस्तों अभिषेक बच्चन एक बहुत ही शानदार अभिनेता है, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए, तो दोस्तों मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं ये सारे अवार्ड के बारे में आपको एक ही वीडियो में जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों आज मैं अभिषेक बच्चन ने जो अवार्ड जीते हैं उनके बारे में, कुछ अवार्ड के बारे में जानकारी दूंगा और बाकी बचे हुए अवार्ड के बारे में आपको मेरे अगले वीडियोज में इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर में कुल 48 अवार्ड जीते हैं और दोस्तों उनको 83 टाइम्स नॉमिनेशन मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बच्चन ने कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन द्वारा जीते गए अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड, बेस्ट विलेन और बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल, मतलब बेस्ट कॉमेडियन जैसे अवार्ड शामिल है। दोस्तों साथ ही आपको ये बता दूं कि कौन कौन से अवार्ड्स अभिषेक बच्चन ने जीते हैं, कौन कौन से प्रतिष्ठित अवार्ड अभिषेक बच्चन ने अपने नाम किए। तो दोस्तों इन अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, आनंद लोक अवार्ड, बॉलीवुड मूवीज अवार्ड, ऐसे अवार्ड शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बंगाल में एक पत्रिका आती है जिसका नाम है आनंद लोक, और दोस्तों ये एक फिल्मी पत्रिका है जिसके द्वारा 1998 से अवार्ड्स देना शुरू किया गया था। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने 2005 में बेस्ट एक्टर का आनंद लोक अवार्ड जीता फिल्म बंटी और बबली के लिए। और दोस्तों इसके बाद में 2010 में मणिरत्नम द्वारा निर्देशित उनकी एक फिल्म आई थी रावण, जिसमें उनका रोल बहुत ही जबरदस्त था, परफॉर्मेंस शानदार थी। तो दोस्तों इस फिल्म के लिए, रावण के लिए भी उनको आनंद लोक अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर के लिए। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अभिषेक बच्चन एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिन्होंने आनंद लोक अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए 2 बार जीता है। दोस्तों ऐसा कारनामा और किसी अभिनेता ने अब तक नहीं किया है। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज अवार्ड की। तो दोस्तों बॉलीवुड मूवीज के द्वारा जो अवार्ड दिए गए है उसे भी अभिषेक बच्चन ने 3 बार जीता है। दोस्तों फिल्म युवा के लिए उनको बेस्ट विलेन का बॉलीवुड मूवीज अवार्ड दिया गया, साथ ही दोस्तों उनको फिल्म युवा के लिए ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी बॉलीवुड मूवीज अवार्ड मिला है। साथ ही दोस्तों आपको भी बता दूं कि फिल्म बंटी और बबली के लिए, सॉरी दोस्तों फिल्म बंटी और बबली के लिए उनको बेस्ट कॉमेडियन का, जी हाँ दोस्तों बेस्ट कॉमेडियन का बॉलीवुड मूवीज अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसके बाद में बॉलीवुड मूवीज अवार्ड के बाद में बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की। तो दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए अभिषेक बच्चन ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। दोस्तों अभिषेक बच्चन 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि फिल्म बंटी और बबली के लिए भी वे फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे, हालांकि अभिषेक बच्चन ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों अभिषेक बच्चन ने 2005 में फिल्म युवा के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वहीं दोस्तों अगले ही साल 2006 में फिर से उन्होंने फिल्म सरकार, जिसे रामगोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था और उसमें अमिताभ बच्चन भी उनके साथ थे, अपने बेहतरीन अभिनय के लिए अभिषेक बच्चन को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और साथ में दोस्तों इसी के अगले साल, मतलब लगातार 3रा फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने 2007 में जीता था, और फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। और दोस्तों इस फिल्म के लिए भी अभिषेक बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की आर बाल्की द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पा, और उसमें इन दोनों का अभिनय बहुत ही लाजवाब था, जबरदस्त था। और दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ही किया था। तो दोस्तों इस फिल्म को बेस्ट फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ था, और क्योंकि फिल्म के जो प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन थे, तो दोस्तों ये अवार्ड उनके हिस्से में जाता है, मतलब अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म पा के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको इतने सारे अवार्ड्स के बारे में आपको जानकारी दी। अब दोस्तों बाकी बचे हुए जो अवार्ड्स है जो अभिषेक बच्चन ने जीते है, जिनमें जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, आईफा अवार्ड जैसे शामिल है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियोज में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।